हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद सुल्तान। स्वागत है आपका अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एसईओ क्या होता है, एसईओ को कैसे रैंक कराया जा सकता है और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए और वेबसाइट क्या होती है, इन सभी चीज़ों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, अफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। सैकड़ों में हज़ारों एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन व्यवसाय को इस्टेब्लिश करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सबसे प्रमुख रीज़न में एक रीज़न यह भी है कि इंटरनेट एक वाइडली मार्केटिंग से आसानी से पहुंचने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। दरअसल पूरी दुनिया ऑनलाइन कारोबार का बाजार बन जाती है। एक शहर में भौतिक रूप से मिस फिजिकली एक ऑनलाइन व्यवसाय, उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में रहने वाले कस्टमर को बेच सकता है। बेशक शिपमेंट के संबंध में बेशक व्यवस्था होगी, लेकिन ऐसी चीज़ों को SOP के मानक संचालन की प्रक्रिया बन जाती है। आज ऑनलाइन व्यवसाय में एक बड़ा हिस्सा है, आज ऑनलाइन बिजनेस में एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अफिलिएट मार्केटिंग की एस्टेब्लिश या अफिलिएट मार्केटिंग की स्थापना है। ऐसे प्रोग्राम्स में कार्यक्रम के अस्तित्व में केवल ना ही इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि आम लोगों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। आप ऑनलाइन व्यवसाय करना चाहते हैं तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग की एक नई व्यवसाय के प्रवेश अफिलिएट मार्केटिंग एक नए व्यवसाय में प्रवेश बिंदु बन चुका है, एक एंट्रिंग पॉइंट बन चुका है। अनिवार्य रूप से अफिलिएट मार्केटिंग और व्यापारी के बीच एक व्यावसायिक संबंध है। जो ऑनलाइन कंपनी का मालिक है, जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, अफिलिएट मार्केटिंग कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले व्यापारी में अपने उत्पादों के विज्ञापन की लागत, एडवर्टाइजमेंट की लागत को कम कर रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग जो है आपके व्यवसाय की जो एडवर्टाइजिंग की एक्सपेंसिव जो उसके जो खर्चे होते थे उनको अफिलिएट मार्केटिंग जो है कम कर रहा है। अफिलिएट मार्केटिंग कई नई व्यवसाय पर एक प्रवेश बिंदु, एक एंट्रिंग पॉइंट बन चुका है। एंट्रिंग आपको एडवर्टाइजमेंट देने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक असिस्टेंट बिजनेस के पार्ट को करने जा रहे हैं। दूसरी ओर सहयोगी ऑर्डर लेने की परेशानी या समय पर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की मांग या कस्टमर को खुश रखने के दबाव में बिना व्यापारियों के प्रोडक्ट को बढ़ावा देने और उसके एडवर्टाइजमेंट करने के इच्छुक और उत्सुक होते हैं सहयोगी पहले से ही व्यवसाय के एक छोटे से पहलू की विशेषता प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी वे किसी ऑनलाइन व्यवसाय का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिजनेस को अफिलिएट के वेतन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सैलरी देने के लिए बाध्य नहीं है। उसे जो भी पेमेंट चाहिए वो अफिलिएट के कमीशन है, जिनकी गणना सहमत मुआवजे पैकेज के आधार पर की जाती है। जिनकी जो काउंटिंग होती है, उनको जो बेनिफिट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग की जाती है। अफिलिएट इनकम की एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिटेड रखा जा सकता है। सावधता के लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम बिक्री नहीं होगी। न्यूनतम आय की अनुपस्थिति असहयोगी विशेषकर नए लोगों पर दबाव को दूर करती है और अधिकतम सीमा का अभाव या बड़े अवसरों को मार्गग्रस्त करता है।